नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। बात करें अगर किसी भी फील्ड की, फिर चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, राजनीति, टेक्नोलॉजी या खेल जगत, हर जगह देश हमारा नाम रोशन कर रहा है। ऐसे ही एक खिलाड़ी है हृदया शर्मा, जो दिल्ली की वसुंधरा की निवासी हैं और MNB मॉडर्न की छात्रा हैं। ये बच्ची बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेलती है और जबरदस्त बैटिंग करती है। आइए दिखाते हैं आपको एक छोटा सा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हृदया शर्मा। हृदया एक क्रिकेट प्लेयर हैं, आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में। हृदया, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज़ में। थैंक यू। आपने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट खेल रहे हो, क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं आपकी, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं DDC Under-15 खेली थी पिछले साल, और उससे पहले मैंने स्कॉडा में विन किया था, सिटी विनर थी मैं उसमें, और नेशनल स्कूल गेम्स खेली थी मैं UP से। अभी आपने हाल ही में Under-15 भी खेला, वो कब खेला था आपने? वो मैंने पिछले साल खेला था 2023 में। एक महिला प्लेयर को क्या क्या डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्पोर्ट्स में? जैसे स्पोर्ट्स में कई बार होता है उनको चांस नहीं मिलता आगे जाने का, और या फिर उनको सपोर्ट नहीं मिलता, और कई बार होता है कि मतलब जैसे हम आगे चले भी गए तो फिर आगे और लोग सपोर्ट नहीं करते उनको। हृदया की दिनचर्या कैसी रहती है, क्या क्या रहता है सुबह शाम तक? सबसे पहले तो मैं जैसे 6-7 बजे उठती हूँ, फिटनेस होती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर एकेडमी का टाइम होता है, और उसके बाद थोड़ी सी फिटनेस रनिंग होती है, और फिर रेस्ट। डाइट में क्या होता है? डाइट में तो सबसे पहले तो अंडे हो गए, वो प्रोटीन का होता है, और पनीर खाना, और नॉर्मल दाल रोटी सब्जी वो चलती है। हृदया, क्या नेक्स्ट एम क्या है? नेक्स्ट टाइम तो अब सबसे पहले तो Under-19 खेलना दिल्ली से, और फिर इंडिया। DDCA के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? DDCA के साथ अच्छा था एक्सपीरियंस, काफ़ी मतलब बहुत मज़ा आया था जाके, काफ़ी सपोर्ट मिला आपको। अभी हाल ही में वुमेंस प्रीमियर लीग शुरू हो रही है, महिला प्लेयर्स को क्या मैसेज देंगे? उनको मैं ये कह रही हूँ कि बस मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है, और मेरी तरफ मतलब मुझे बहुत खुशी है कि उनकी ये सब हो रही है, और इसके वजह से और लोगों को भी चांस मिल रहा है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी स्कीम शुरू करी है, खेलो इंडिया, अभी मोदी जी का भी नारा है खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया, उस पर क्या कहेंगे कि महिलाओं को स्कीम का लाभ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। मैं भी एक बार खेलो इंडिया में गई थी और मैंने खेला था, तो काफ़ी सारी लड़कियाँ थी उसमें, तो उसका मैं सर्टिफिकेट भी मिला है, तो सभी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। हृदया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिन रात अपने टैलेंट को उभारने के लिए प्रैक्टिस और मेहनत करती है। ऐसे ही और भी कई बच्चे हैं और लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं अलग अलग फील्ड में। जैसा कि मोदी जी भी खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी स्कीम्स चला रहे हैं, हमें भी इन सभी बच्चों और ऐसे लोगों को इनके टैलेंट को और निखारने व आगे बढ़ाने के लिए इनके साथ देकर बढ़ावा देना चाहिए।